हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आपको क्लास 10 की सिमिलर ट्रायंगल से एक थ्योरम प्रूव करके दिखाएंगे। थ्योरम है बीपीटी, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर एक और नाम है इसका थिल थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या होता है सुनिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड दिस साइड इन द सेम रेशियो। देखो मैं आपको इसको फिगर के थ्रू बताता हूं। एक ट्रायंगल है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल का नाम लेते हैं एबीसी। अब स्टेटमेंट कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, मतलब पीक्यू पैरेलल बीसी दिया हुआ है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड दिस साइड इन द सेम रेशियो। प्रूव करना है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमें क्वेश्चन में यहां गिवन क्या है, ध्यान से रखने वाली वो चीज है। एक तो ट्रायंगल गिवन है, तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन है आपको कि पीक्यू पैरेलल है बीसी के, कि पीक्यू पैरेलल है बीसी के, ये बात आपको गिवन है, ठीक है। अब टू प्रूफ, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। तो देखो जरा, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। कंस्ट्रक्शन भी है देखो इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन है जॉइन पीसी, जॉइन बीक्यू, ड्रॉ, ध्यान से देखिएगा, पीएम परपेंडिकुलर एसी एंड क्यूएम परपेंडिकुलर एबी। देखो थ्योरम है, आपको ये सारे स्टेप याद रखने ही पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं। थ्योरम तो आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी, बस आपको स्टेटमेंट डालना है, फिगर बनाना है और इसका प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं, तो क्या करना है आपको इसमें, आपको करना है जॉइन क्या बी क्यू एंड पी सी, और क्या चीज ड्रॉ करनी है, ये जो पी एम है परपेंडिकुलर है ए सी के, और एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करते हैं, आसान सा पार्ट है। सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी और क्यू, ध्यान से देख लो फिर से। सबसे पहले मैंने लिया ए पी क्यू ऊपर वाला ट्राइंगल और बी पी क्यू, अगर एरिया की बात करें ए पी क्यू के, तो ये आएगा हाफ इंटू बेस कितना है ए पी और हाइट कितनी है एन क्यू, होल अपॉन बी पी क्यू का एरिया देखिए हाफ इंटू बेस कितना है पी बी और हाइट कितनी है एन क्यू। अब ये बात तो समझ में नहीं आई, देखो ध्यान से रहा बोर्ड पर, मैं जरा बी पी क्यू ट्राइंगल को अलग से बना के दिखा रहा हूं। तो ये पी बी और क्यू, मैंने बेस तो पी क्यू लिया है, लेकिन देखना हाइट कौन सी ली है मैंने इसकी, हाइट तो मैंने इसकी ली है क्यू एल, ऐसा कैसा हो जाएगा, क्या हाइट कभी भी ट्राइंगल के बाहर हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में जो ट्राइंगल की हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर ही होती है। तो बीपीक्यू एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसलिए उसका जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल के बाहर है, और ध्यान रखना ए पी क्यू का भी परपेंडिकुलर एन क्यू ही है। तो देखो यहां पर क्या होगा, हाफ से हाफ चला जाएगा, एन क्यू से एन क्यू चला जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा आपके पास ए पी अपॉन पी भी आ जाएगा, और इसे क्या करें आप माने इक्वेशन वन। अब सिमिलरली जैसे आपने ए पी क्यू और बी पी क्यू लिया है, अब कौन सा ट्राइंगल लेना है ए क्यू पी और सी क्यू पी। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी। तो देख बिल्कुल भाई एरिया कैसे आएगा, हाफ बेस कितना है EQ, और हाइट कितना है इस बार PM, लेकिन नीचे वाला ट्राइंगल कह रही है देखो CQP का, अब आपको समझ में आना चाहिए हाफ बेस कितना QC और हाइट कितना, देखो ये भी तो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी ट्राइंगल के बाहर ही होगा, तो ये P और M, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है PM ही है, जो कि ट्राइंगल के बाहर है। मैंने आपको बताया भी था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर होता है, हाफ से हाफ गैप
पीएम से पीएम गया, कितना आ गया ए क्यू आ गया क्यूसी के बराबर, मेक इट इक्वेशन टू। अब एक छोटी सी चीज देखना, क्या बी पी क्यू ट्राइंगल और सी क्यू पी ट्राइंगल, देखो मैं इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ तो आपको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। एक तो बी पी क्यू मतलब ये हमने जो नीचे वाला लिया था बी पी क्यू, अब ले रहा हूं सी क्यू पी, ये वाला देखो क्या इन ट्राइंगल का सेम बेस है, हाँ बिल्कुल ये सेम बेस है पी क्यू, और अरे क्या ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, हाँ तो नियम क्या कहता है इनका एरिया बराबर। नियम क्या है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, तो कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी क्यू आर पी। रीजन क्या लिखेंगे, बोथ द ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस पी क्यू, नाम लिखते जाएगा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन पी क्यू एंड बी सी, क्यों देखो पी क्यू एंड बी सी हमें दिया हुआ था, तो क्या हो गया एरिया बराबर हो गया। अब इस बी पी क्यू की वैल्यू को जो कि सी क्यू पी है मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, वो मतलब जहां पर बी पी क्यू लिखा है, बी पी क्यू है ना, वहां पर मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया सी क्यू पी लिख दिया, ठीक है। देखिए यहां पर डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन बी पी क्यू लिखा है ना, इस बी पी क्यू जो क्या लिख दिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी लिख दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू इसके इक्वल में कितना लिखा है AP अपॉन PB, और मेक इट इक्वेशन 3। अब जरा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना, क्या दोनों के LHS सेम लिखे हैं, हाँ बिल्कुल सेम लिखे हैं, तो कंपेयर हो सकता है, तो कंपेयर किया मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो कंपेयरिंग में होता क्या है कि जब दो अलग अलग चीजें, देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं, जब ये दो अलग अलग चीजें किसी एक ही चीज के बराबर हो तो कंपेयरिंग किया जा सकता है, और कंपेयरिंग में होता क्या है कि जो सेम चीज है वो तो साफ हो जाती है और जो अलग अलग चीजें हैं वो आमने सामने आ जाती हैं, तो चलो ठीक है तो आमने सामने कर दो कंपेयर करने पर, तो ये तो सेम लिखा है साफ हो गया, क्या आ गया एपी अपॉन बीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूव करना था क्या एपी अपॉन बीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये लीजिए प्रूव हो गया। एक चीज बता देता हूं, अगर आपको बीपीटी प्रूफ करने के लिए आता है तो क्वेश्चन में आप प्रूफ यही करेंगे, कैसे एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, लेकिन जब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको तब देखो इस तरह का भी प्रूफ करा जा सकता है। चलिए काम करते हैं, दोनों साइड वन जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो मैं आपको पार्ट करके दिखा रहा हूं ये पार्ट सिर्फ आपका इसके क्वेश्चनों में यूज होगा, प्रूविंग करते समय तो क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए वन जोड़ी दोनों तरफ, ये देखिए यहां भी वन जोड़ा और यहां भी वन जोड़ा, ऐसे में लीजिए कितना आ गया, ये आ गया आपके पास EB plus AP is equal to QC आ गया LCM AQ और plus QC, तो PB plus AP देखना कितना आ गया PB plus AP पूरा कितना आ गया AB upon PB is equal to, ऐसे देखो AQ plus QC, AQ plus QC कितना आ गया पूरा AC आ गया, तो AC upon QC। तो अगर आपके पास कभी प्रूविंग इस तरह की भी करनी आ जाए जिसमें देखो कैसे आया पूरी ए बी अपॉन बी बी पूरी ए सी अपॉन क्यू सी, तो ये भी बीपीटी ही लिखी जाएगी, मतलब प्रूविंग करते समय तो यहाँ क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ऐसा आया कि भाई जैसे ये ना आधा 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 आधा, ये तो प्रूविंग का पार्ट है लेकिन ये कैसे आ रहा है पूरा और आधा, तो है ये भी बीपीटी, तो इसके लिए रीजन आप बीपीटी ही लिखोगे, लेकिन ये वाला पार्ट सिर्फ आपके क्वेश्चन में यूज होगा, मतलब आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता था एपी और एबी आधा पूरा, यहां पर देखो एक्यू और एसी ऐसे भी आ सकता है, तो आने का तरीका कोई सा भी हो, साइड्स का अगर रेशियो आ रहा है तो वो बीपीटी ही कहलाएगा एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों में जहां पर इसके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आपके पास बीपीटी प्रूफ करने के लिए आएगा तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर फिनिश होती है हमारी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल थ्योरम, ठीक है फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।